दोस्तों अभी आप देख रहे हैं होंडा DO125 को। ये स्कूटर जो है अभी 2023 में लेटेस्ट लॉन्च किया है कंपनी ने। इसमें जो है कंपनी ने थोड़ा बहुत बदलाव किया है। अगर आप DO110 को देखते हैं तो उसमें से जो है कंपनी ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। जैसे कि आप लोग फ्रंट प्रोफाइल में अभी देख लें, यहाँ पर आपको जो DRL मिलता है तो ये जो है आपको स्प्लिट में कंपनी अब प्रोवाइड कर रही है। DO110 को अगर देखते हैं तो उसमें आपको जो है यहाँ पर आपको कनेक्टेड DRL कंपनी प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी सारा इसमें चेंजेस भी कंपनी ने किया है। प्राइस जो है थोड़ा इसमें इंक्रीज किया है क्योंकि इसमें जो है अब आपको 125cc का इंजन मिल रहा है। इसका जो आपको बॉडी डायमेंशन है ये जो है आपको DO110 जैसा मिलता है, लेकिन इसका इंजन जो है आपको एक्टिवा वाला दिया गया है 125cc का। तो इस वीडियो में जो जानेंगे इस स्कूटर का जो है कितना ऑन रोड प्राइस है, इसमें क्या क्या फीचर्स दिया गया है, कंप्लीट आपको जो है जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी जो है 2023 में 125cc सेगमेंट में एक स्कूटर को परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और स्पेशल थैंक्स टू तिवारी होंडा जामताड़ा जिन्होंने कि हमें ये स्कूटर रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप भी जो है नियर बाय एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो शोरूम में विजिट कर सकते हैं, और शोरूम का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आपको मेरे स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा होगा। अब जो है आप लोग इसका फ्रंट प्रोफाइल को देख लें। डुअल टोन कलर में जो है इसका फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी अच्छे लुक के साथ। ये जो है इसका ब्लैक विथ ब्लू कलर है, काफ़ी अच्छा लुक आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा जो है इसमें आपको कंपनी ग्राफिक्स भी प्रोवाइड कर रही है। इस स्कूटर में जो है आपको दो वेरिएंट्स का ऑप्शन मिलता है। ये जो है इसका स्टैंडर्ड मॉडल है, और इसमें जो है आपको एच स्मार्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, इसमें LED लाइट का आपको फ्रंट में सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर आपको जो है हैलोजन बल्ब में मिलता है। डुअल टोन कलर में जो है काफ़ी अच्छा लुक आपको मिलता है। होंडा का ब्रांडिंग है, आप यहाँ पर नंबर प्लेट को लगा सकते हैं। इसका जो है आप अभी देख रहे हैं मडगार्ड को, तो ये जो है आपको कंपनी फाइबर में प्रोवाइड कर रही है, और ब्लू और येलो कलर का ग्राफिक्स दिया गया है काफ़ी अच्छे लुक के साथ। रिफ्लेक्टर मिल जाता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। 90x90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर आपको इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। 130mm का जो है फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है। इस स्कूटर में जो है आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर दिया गया है। फ्यूल गेज को देख सकते हैं आप, घड़ी को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप रियल टाइम माइलेज को देख सकते हैं, ट्रिप को देख सकते हैं, रेंज का पता चल जाता है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है इसमें आपको मीटर कंसोल कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और मीटर कंसोल जो है ये भी आपको काफ़ी शानदार लुक के साथ मिलता है। काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है, होंडा का लोगो दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, पास का स्विच दिया गया है, उसके नीचे इंडिकेटर मिलता है, उसके नीचे हॉर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और इधर जो है आपको एक किल स्विच दिया गया है, इसी से आप जो है स्कूटर को स्टार्ट भी कर सकते हैं। आप जो है आप इस स्कूटर का एग्जॉस्ट का साउंड भी सुन लें। काफी स्मूथ जो है इसका एग्जॉस्ट का साउंड है। तो इसका एग्जॉस्ट का साउंड आप लोगों को कैसा लग रहा है ये भी आप लोग जो है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ आप लोग देख लें, आपको यहाँ पर एक स्पेस भी दिया गया है, बोतल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको टोइंग हुक भी दिया गया है, आप इसमें जो है 5 किलो का वेट को कैरी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पर भी जो है आपको टोइंग हुक मिल जाता है, यहाँ से जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है आप लोग झोला वगैरह को टांग सकते हैं। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप जो है सिलेंडर वगैरह को भी ढो के ला सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक है। यहाँ पर आप लोग देख ले, होंडा का ब्रांडिंग आपको मिल जाता है। 125 का आप लोग यहाँ पर ब्रांडिंग देख ही चुके हैं। फोल्डेबल फुटरेस्ट आपको दिया गया है पिलियन के लिए, जो कि एल्युमिनियम फिनिश में है, तो प्रीमियम सा डिज़ाइन आपको इसमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसका आप लोग जो है यहाँ पर देख लें साइड पैनल को, डीओ का काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग आपको मिल जाता है। ग्राफिक्स भी आपको दिया गया है ब्लू और येलो कलर में। एग्जॉस्ट जो है आपको साइड माउंटेड मिलता है, उसके ऊपर जो है आपको सिल्वर कलर का मफलर भी दिया गया है। ये स्कूटर जो है अभी E20 कॉम्प्लाइंट इंजन के साथ आ रही है, तो आपको जो है E20 का स्टिकर यहाँ पर आप लोग देख लें। इस स्कूटर में आप जो है 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल को भी डलवा सकते हैं। अब जो है इस स्कूटर का हम लोग बूट स्पेस को देख लेते हैं, तो यहाँ से जो है आप इसके बूट को खोल सकते हैं। यहाँ से इसका जो है सीट ओपन हो जाता है, और इसको अगर आप ऊपर तरफ प्रेस करते हैं फ्यूल पर तो इसका जो है फ्यूल लिड खुल जाता है। इसमें जो है आपको 5.3 लीटर का फ्यूल लिड मिलता है, यहाँ से आप फ्यूल को डलवा सकते हैं। स्प्लिट में आपको ग्रैब्रेल कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसका जो है हम लोग बूट स्पेस देख लेते हैं। बूट स्पेस भी जो है इस स्कूटर में आपको अच्छा खासा दिया गया है। यहाँ पर आप जो है एक फुल साइज के हेलमेट को भी रख सकते हैं। सीट का कुशनिंग जो है आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, यहाँ आप लोग देख लें कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है।
राइडर पिलियन आप लोग इसमें जो है कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है सीट में आपको कंफर्ट मिलने वाला है। यहाँ आप लोग देख लें, काफ़ी कुशनिंग दिया गया है। अब जो है इसका हम लोग रेयर प्रोफाइल से लुक देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आप लोग लुक थोड़ा देख लें, थोड़ा आपको डिफरेंसेस मिलेगा। अगर आप जो है डियो 110 को देखते हैं तो उसका रेयर लुक जो है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसमें आपको जो है थोड़ा डिफरेंट लुक दिया गया है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, टेल लैंप दिया गया है। इसका जो है आपको हम टेल लैंप भी ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ आप लोग देख लें इसका टेल लैंप, इसमें थोड़ा आपको डिफरेंट टेल लैंप दिया गया है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है, रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। काफ़ी अच्छा जो है आपको रेयर प्रोफाइल से भी लुक मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, मोनो सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसमें जो है आपको 90/100 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि 10 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। इसमें भी जो है आपको रेयर में 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। इस स्कूटर में जो है आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लें, ESP टेक्नोलॉजी मिल जाता है। साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया है। 123.92 सीसी का जो है इसमें आपको काफ़ी रिफाइंड और पावरफुल इंजन मिलता है। 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 Phase 2 अपडेट वाला इसमें आपको इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको इसमें पावर मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा जो है इस स्कूटर में आपको परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अब जो है इस स्कूटर का आपको मैं फाइनली प्राइस बता देता हूँ। तो ये जो है इसका स्टैंडर्ड मॉडल है, जिसका कि अभी एक्सोरूम प्राइस हमारे यहाँ झारखंड में 87,800 के अप्रोक्स में जा रहा है, और इसका ऑन रोड प्राइस जो है 104,000 के अप्रोक्स में जा रहा है। और अगर आप जो है इसका एच स्मार्ट वाले मॉडल को परचेस करते हैं तो उसका एक्सोरूम प्राइस जो है 95,700 के अप्रोक्स में जा रहा है, और ऑन रोड प्राइस जो है 112,600 के अप्रोक्स में जा रहा है, जो कि दोनों के प्राइस में जो है 8,000 का डिफरेंस है। अगर आप इसके एच स्मार्ट वाले मॉडल को लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा फीचर्स जो है ज़्यादा मिल जाएगा। आपको उसमें जो है वायरलेस की मिल जाएगा, आपको जो है की का कोई उसमें झमेला नहीं रहेगा। आप जो है की को अपने जेब में रख के जो है स्कूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स आपको उसमें मिलने वाला है। इस वजह से जो है कंपनी उसमें 8,000 आपसे पैसा ज़्यादा ले रही है। तो अगर आप भी जो है 2023 में 125 सीसी सेगमेंट में एक स्कूटर को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस स्कूटर को जो है डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ ये स्कूटर आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लुक इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ये स्कूटर का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फीचर्स कैसा लगा, प्राइस कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।